स्टूडेंट्स, अभी हम थर्ड सम देखेंगे. थर्ड सम क्या है? वू विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वैट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वैट हीटर इन 20 मिनट्स. मतलब हमारे पास दो अप्लायंसेस है, एक तो टीवी सेट है जो पावर कितना ले रहा है, 500 वैट, और ऐसे टीवी सेट को 30 मिनट चलाने के बाद कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, और जो हीटर है जिसका पावर है 600 वैट, ऐसे हीटर को 20 मिनट चलाने के बाद कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है. इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है. तो हमारे पास गिवन क्या है, पावर यूज़ बाय टीवी विच इज़ 500 वैट, और दूसरा है पावर यूज़ बाय हीटर विच इज़ 600 वैट. मगर जो टीवी है वो कितने टाइम के लिए चला है, 30 मिनट्स के लिए. 30 मिनट्स यानी जब सेकंड में कैलकुलेट करना होता है, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो 30 मिनट्स बिकम्स 30 × 60 सेकेंड विच इज 1800 सेकेंड. 6 × 3 = 18 और ये दो जीरोस. सिमिलरली टाइम फॉर विच हीटर इज यूज्ड इज 20 मिनट्स. सो 20 मिनट के लिए हमने हीटर यूज़ किया है. सो ये 20 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 × 60 सेकेंड, 6 × 2 = 12 और ये दो जीरो, सो 1200 सेकेंड्स. तो ये दो अप्लायंसेस इन दो टाइम के लिए यूज़ किए गए हैं. अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ये दोनों अप्लायंसेस एनर्जी कितनी यूज़ करते हैं, और इस वो दोनों एनर्जीज को हमें कंपेयर करना है. हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो टीवी है वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. तो एनर्जी यूज बाय टीवी इज इक्वल टू पावर ऑफ टीवी मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर विच टीवी वॉज यूज. पी ऑफ टीवी मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ टीवी. पावर कितना है, 500 वाट, तो 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम. कितने के लिए टाइम के लिए यूज किया, 1800 सेकेंड, सो 1800 सेकेंड. सो 500 × 1800 इज ये तीन, ये चार जीरोस, और 18 × 5 इज 90. सो 9 लाख एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल्स. तो टीवी कितना एनर्जी यूज कर रहा है, 9 लाख जूल्स, राइट. नाउ वी विल कैलकुलेट द एनर्जी यूज बाय हीटर. एनर्जी यूज बाय हीटर इज पावर ऑफ हीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर विच हीटर इज यूज्ड. पावर ऑफ हीटर इज 600 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर विच इट इज यूज इज 1200 सेकेंड. सो 600 × 1200, ये चार जीरोस मैंने लिख दिए, और 12 × 6 = 72, तो दिस बिकम्स 7,20,000 जूल्स. सो अभी हमारे सामने क्लियर है कि जो टीवी ने एनर्जी यूज की है वो 9 लाख है और 9 लाख है, और जो हीटर ने यूज की है वो 720 लाख है. तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एनर्जी यूज बाय टीवी इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज बाय हीटर. तो जो क्वेश्चन था कि वू विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका आंसर यह है कि टीवी विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज वी हैव फाउंड इट आउट.